मैं हूं व्यसन राज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे ना जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही राज है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। ये मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत भरे पड़े हैं। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। मैंने धरती पर मेरे कई बंदे भेज रखे हैं। मिलोगे उनसे? बोलो बोलो, मिला उनसे? मैं हूं तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा गया? मुझे हर गली हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा और सुनना, मैंने सभी के गालों को गला कर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न कानी वाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बदल दी मैंने। तेरे लिए मलू क्या, मल रहा मैं अपने लिए। शराब करता हूँ, लीवर खराब, रम बियर विस्की ब्रांडी देसी अंग्रेजी सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जन्म का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर वन, सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौन देखते बनती है। घर घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को तहस नहस कर दिया मैंने। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन ब्राउन शुगर ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है। मुझे प्राप्त करने अच्छे अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूटमती बना दिया है। मैं हूँ सी सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। डेढ़ इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियाँ नायक नायिकाएं मेरा ही इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। हुक्का बीड़ी सिगार ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोयला और नाक को फैक्ट्री की चिमनी बना दी है। टीबी गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया सभी ने, चाह कर भी मुझसे कोई नहीं बच सकता।
अगर मुझसे कोई बच जाए तो उसका तो जीवन ही सुधर जाए। लेकिन कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, पता है क्यों? क्योंकि कलयुग का मनुष्य बड़ा ही मूर्ख है। मैं बहुत दयालु हूं, इसलिए तुमको एक सलाह देता हूं, मेरे से दूर रहना बाबा। एक बार मेरे चंगुल में फंस गए तो बच नहीं पाओगे।